हेलो एवरीवन, मैंने अपना आज का टॉपिक चूज किया है कमेंट सेक्शन में से। मैंने वो टॉपिक देखा तो मुझे लगा ये कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। टॉपिक था कि बॉलर के हाथ से कैसे बॉल की लाइन और लेंथ और स्पीड को जज करें। तो देखिए, जजमेंट के लिए कोई भी ऐसा कोई एक छोटी कोई ट्रिक नहीं है कि आप उसको ट्रिक को यूज करो और आपका जजमेंट शार्प हो जाए। जजमेंट के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको एक्चुअली जो बातें अपने ध्यान में रखनी है बॉल को जज करने के लिए बॉलर के हाथ से, मैं उसको आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरा एंड तक देखने की जरूरत है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। तो गाइस, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बॉल को बॉलर के हाथ से जज करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप एक बात ध्यान रख सकते हो, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में आप किसी भी को बोलिए कि आपको बॉल थ्रो डाउन करें, तो आप एक बात नोट करोगे, जब भी वो बॉल को मैक्सिमम हाइट से रिलीज कर रहा है थ्रो डाउन करते हुए, या फिर आप थ्रो डाउन मत करवाइए, आप किसी बॉलर को बोलिए जो मीडियम पेसर हो, उसको बोलिए आपको खड़े खड़े बॉल रिलीज करें, वो खड़े खड़े आपको ऐसे अपने जगह से खड़े खड़े आपको बॉल रिलीज करेगा फ्रंट फुट के लिए जिस स्पॉट पे आप चाह रहे हो। तो आप देखोगे आपको एक आपको वो अगर बॉल फ्रंट फुट पर रिलीज कर रहा है, तो जब जब वो मैक्सिमम हाइट से बॉल को रिलीज करेगा तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि बॉल आपको हाफ वॉली मिले, यॉर्कर मिले और फुट टॉस मिले। क्योंकि देखिए क्या होता है, बॉल की लाइन और लेंथ बॉलर की रिलीजिंग पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैटर करती है, सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर उसने बॉल को मैक्सिमम हाइट से रिलीज किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से बॉल की जो ट्रेजेक्ट्री बनेगी, आप ट्रेजेक्ट्री को ऐसे समझिए, ट्रेजेक्ट्री मतलब एक कोण, उससे कुछ मिलता जुलता वर्ड है, एक कोण ऐसा बनेगा मैक्सिमम हाइट से कि बॉल ज़्यादातर बैट्समैन के पैरों के आसपास लैंड होगी या फिर फुट टॉस जा सकती है। आप देखिए, आपने कभी यॉर्कर की प्रैक्टिस करते हुए बॉलर को देखा होगा, उसको आप देखिए कभी, बहुत सारी वीडियोज होती हैं यूट्यूब पर जब वो यॉर्कर की प्रैक्टिस करते हैं, तो यॉर्कर की प्रैक्टिस करने के लिए बॉल को मैक्सिमम हाइट से रिलीज करते हैं, मतलब यहाँ से देखिए मेरा रिलीजिंग पॉइंट मैक्सिमम हाइट पर, क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे मैं अपना रिलीजिंग पॉइंट आगे लेते जाऊँगा मेरी जो हाइट है वो डिक्रीज होती जाएगी रिलीजिंग पॉइंट की। देखो यहाँ से अभी यहाँ पे है, जैसे जैसे यहाँ से मैं आगे लेते जाऊँगा जो हाइट मेरी डिक्रीज होती थी, और यहाँ से जो भी बॉल की जो ट्रेजेक्टरी बनेगी वो हमेशा आपके लेंथ भी वहाँ से पीछे खींचती जाएगी। यहाँ से रिलीज होगा तो बॉल आपके यॉर्कर के आसपास जाएगा, फुट टॉस जाएगा, यहाँ से रिलीज होगा तो बॉल आपका जो बीमर बोलते हैं अनफेयर बॉलिंग फुट टॉस जाएगा वेस्ट के ऊपर शोल्डर के आसपास। तो आपको केवल यहाँ से ऐसे भी करना है कि मैक्सिमम हाइट से बॉल रिलीज हुआ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास बॉल हाफ बॉल आने वाला है, फुट टॉस आने वाला है, यॉर्कर आने वाला है। जैसे जैसे रिलीजिंग पॉइंट यहाँ से आगे बढ़ता रहेगा यहाँ पे आ गया, और शॉर्ट पिच के लिए भी सेम वही है, जितना जितना बॉल लेट रिलीज होगा, जितना बॉल कम हाइट से रिलीज होगा उतनी जल्दी बॉल शॉर्ट पिच आएगी। और बहुत से ऐसे बॉलर होते हैं जिनकी हाइट ज़्यादा होती है तो वो कभी कभी मैक्सिमम हाइट से भी बैक ऑफ लेंथ की बॉल हिट कर देते हैं। तो वो आपने देखा होगा जब भी इंडियन क्रिकेट टीम कभी जब भी इंग्लैंड वगैरह खेलने जाते हैं जहाँ पर उनको बॉलर फेस करने हैं सब 6 फुट से ऊपर वाले बॉलर, जब भी कभी वेस्ट इंडीज खेलने जाते हैं तो उनको जो बॉल फीड करने वाला होता है वो क्या करता है, एक चेयर रखता है या स्टूल रखता है, उस पर से एक बॉल फीड करता है, जिससे उनको उस हाइट से बॉल गिर रहा हो उससे उनको बॉल को ट्रैक्टरी को पिक करना डिफिकल्ट ना रहे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अभी अपने इंडिया में आपको यूजली बॉलर मिलेंगे 5'9", 5'10" मैक्सिमम 6 फीट की हाइट पर, एक एवरेज, तो आप 6 फीट की हाइट पर आपको यूजली कोई भी बैटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम टॉपिक पे हमने क्या बात कर रहे थे कि हम बॉलर के हाथ से कैसे बॉल की लाइन और लेंथ जज करेंगे। अगर बॉल मैक्सिमम हाइट से छूट रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बॉल हाफ बॉल ही आएगा, फुट टॉस आएगा और यॉर्कर आएगा। अगर मैक्सिमम हाइट से क्रॉस करके बॉल थोड़ा आगे रिलीज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बॉल आपका गुड लेंथ पे आएगा, थोड़ा सा और उससे आगे से रिलीज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बॉल बैक ऑफ लेंथ पे आएगा, और आगे रिलीज हो रहा है तो बॉल शॉर्ट पिच आएगा, और आगे रिलीज हो रहा है तो बॉल बाउंसर आ सकता है। तो ये सब कुछ उनके रिलीजिंग पॉइंट, आपको ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैंने इसमें एक प्रैक्टिकल किया हुआ है। आप देखिए, आप जब भी कोई यूट्यूब पर वीडियो देखिए बॉलर ने अगर कोई बाउंसर मारा है, शॉर्ट पिच मारा है, तो उसका रिलीजिंग पॉइंट देखिए कहाँ पर आ जाता है। आप जोफ्रा आर्चर का देखिए, जब भी वो बाउंसर मारते हैं तो उनका रिलीजिंग पॉइंट मैक्सिमम हाइट की वजह हैड को पूरा क्रॉस करने यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से वो बाउंसर हिट करते हैं। जितने भी बॉलर हैं वो सभी इसी टेक्निक को यूज करते हैं, जब जब उनको यॉर्कर मार रहा होता है वो बॉल को बहुत जल्दी रिलीज करते हैं, जब बाउंसर मार रहा होता है तो बॉल को थोड़ा लेट रिलीज करते हैं। इतनी होगी आपकी लाइन और लेंथ की बात। अब बात कर लेते हैं कि स्पीड को बॉलर के हाथ से कैसे जज करें। देखिए, स्पीड तो ये होता है कि आपने अगर 135 कभी अपने प्रैक्टिस सेशन में बॉल फेस नहीं किया है तो आप कभी भी मैच में डायरेक्टली बॉल फेस नहीं कर पाओगे, आप जब तक रेडी होगा तब तक बॉल आगे निकल जाएगा। तो हमें जब आप 130 या 135 बॉल को आप फेस करना चाहते हो तो आपको पहले वो बॉल अपने प्रैक्टिस सेशन में किसी से सामने से थ्रो डाउन करवा के उसको फेस करिए, और हाथ से आप स्पीड कैसे जज करोगे। जब नॉर्मली कोई मीडियम पे से बॉल डाल रहा है उसने बॉल को अपने दो फिंगर और थंब से हिट पकड़ा हुआ है और बॉल को नॉर्मली को रिलीज कर रहा है,
तो आप एक स्पीड का अंदाजा लगा सकते हो स्पीड कैसे आएगी, लेकिन आपको उसके रिलीजिंग पॉइंट पे एकदम अपनी आंखें अपनी जमा के, अगर वो यहाँ से अपने फिंगर को ड्रैग करता है या फिर बैक ऑफ द पाम बॉल को रिलीज करता है या फिर यहाँ से लेग कटर या ऑफ कटर जो भी मारता है या फिर जो आजकल डालते हैं नकल बॉल वो डालते हैं, तो ये आपको केवल रिलीजिंग पॉइंट पर अपनी आंखें जमा के रखनी पड़ेगी, वहीं से आपको पता लगेगा कि बॉल में स्पीड क्या आने वाली है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि शॉर्ट ट्रिक आप यूज करो और फटाफट से आपका ठीक हो जाए। आपको मैंने वीडियो में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर दिया कि आप बॉल के हाथ से कैसे लाइन और लेंथ और स्पीड जज करोगे, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिलीजिंग पॉइंट पर पूरा फोकस पे करने के बाद। आई होप आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको बॉल को जज करने में कहाँ दिक्कत होती है, तो मैं इसको आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे इसको सुधारना है। आज का आपको टॉपिक कितना अच्छा लगा मुझे वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए। इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।